एवरीवन, स्वागत है आपका हरियाणवी तड़का एचडी में। आज हम आए हैं करनाल के कुंजपुरा रोड में खाने ग्रिल्ड सैंडविच। इस जगह पर हमारे एक दीपक भाई साहब हैं जो हैप्पी बर्गर के नाम से अपनी छोटी सी सुंदर सी शॉप चलाते हैं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं हैप्पी बर्गर कॉर्नर पर, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इनका मेनू, जिसमें आपको मिलेगा मिक्स वेज पिज्जा, ग्रिल बर्गर, मिक्स वेज चाउमीन और फ्राइड चाउमीन बर्गर। हमारे दीपक भैया से, और ये हमारे काफी पुराने दोस्त भी हैं। तो भैया क्या क्या तैयार मिल सकता है अभी बिल्कुल जी, बर्गर है, मिक्स वेज बर्गर ग्रिल, अच्छा सैंडविच है, ग्रिल सैंडविच और पिज्जा और स्प्रिंग रोल है, स्प्रिंग रोल, ओके। तो भैया मेरे लिए ना एक ग्रिल्ड सैंडविच बना दो, ठीक है। प्राइस क्या रहेगा उसका? 50 रुपीज। दोस्तों ग्रिल्ड सैंडविच भैया दे रहे हैं सिर्फ 50 रुपीज में, वो भी ग्रिल्ड सैंडविच। तो चलिए दोस्तों बनवाते हैं भैया से ग्रिल्ड सैंडविच। चल चुके हैं ग्रिल्ड सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड तैयार। भैया ये कौन सा ब्रेड होता है? ये जंबो ब्रेड होता है, कमर्शियली यूज के लिए जंबो ब्रेड। तो इसमें से कितने पीस बनेंगे सैंडविच के? इसमें एक में दो पीस बनेंगे, यानी कि 4 पीस बनेंगे। अच्छे, एक में से दो पीस बनेंगे ग्रिल्ड सैंडविच के, ठीक है। ये वही चॉपिंग मसाला है, चॉपिंग सब्जी है। अच्छा ये कौन सी क्रीम है भैया? ये इटालियन टॉपिंग है। अच्छा इटालियन टॉपिंग, ओके। ये तो मोमोज चटनी है ना? चटनी, इसको लगाने से थोड़ी स्पाइसी बनता है, ओके। घर पे ही बनाते हो? काफी अच्छे तरीके से भैया लगा रहे हैं हमारे ब्रेड पर इस क्रीम को और मोमोज चटनी को। टाइम कितना हो गया भैया आपको यहाँ पे? ये यहाँ हो गया लगभग 3-3.5 साल। हाँ 8-10 महीने से तो मैं ही देख रहा हूँ आपको यहाँ पे। इससे पहले शायद आपने मुझे पहले बताया था कि आप दिल्ली काम करते थे। दिल्ली में कहाँ पर? हाँ जी आप? मैं ये जो रोहिणी की तरफ, ओके भैया। और ये डाल रहे हैं भैया चॉपिंग सब्जी जो भैया ने अभी कुछ टाइम पहले काट कर तैयार की थी, और क्वांटिटी भी अच्छी दे रहे हैं भैया सब्जी की सैंडविच के अंदर। म्यूनिस नहीं डालोगे भैया इसमें? डालेंगे। अच्छा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये साथ में नियर बाय बाबा पीर कलंदर पड़ता है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मेला पड़ता है 16 मई को और हर वीरवार और संडे को। ये भैया लगा रहे हैं म्यूनिस। आप जब भी भैया कभी यहाँ पर दोस्तों मेले में आते हो या वीरवार या संडे के आपको आते हो, तो भैया के पास एक बार ज़रूर आना टेस्ट करने के लिए। काफ़ी अच्छे टेस्टी सामान बनाते हैं, मैं पहले भी भैया से ही लेता रहता हूँ सामान यहाँ से। और भैया ने म्यूनिस की क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी डाली है ग्रिल सैंडविच के अंदर। और अब भैया इसको ग्रिल करेंगे। एक टाइम में तो एक ही लगाते होंगे भैया? दो आलू। अच्छा दो आ जाती है इस मशीन में। और ये भैया ने रख दिया ग्रिल सैंडविच ग्रिल्ड होने के लिए। तब तक ग्रिल्ड हो रही है, मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ यहाँ की। जब भी आप करनाल आओगे, भैया की शॉप ITI चौक से 2-3 किलोमीटर के बीच पड़ती है। ये गुरुद्वारा है विलेज बुड्ढाखेड़ा में, और ये बाबा पीर कलंदर है। पीर कलंदर की बिल्कुल बैक साइड में ये हैप्पी बर्गर कॉर्नर की स्टॉल लगी हुई है। हमारे दीपक भैया ग्रिल्ड सैंडविच पर ये लगा चुके हैं मक्खन। तो हमारा सैंडविच ग्रिल्ड हो चुका है अच्छे से, आप इसका कलर भी देख रहे हैं, ये अच्छे से सिक चुका है। और अब हमारे दीपक भैया इसको बाहर निकाल रहे हैं, और ये देखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये दोनों ग्रिल्ड सैंडविच, मेरा तो एक ही है, ये दूसरा भैया के किसी कस्टमर का होगा। अब कट करेंगे दीपक भैया, ये हो चुका है हमारा ग्रिल्ड सैंडविच कट। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और भैया की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी, और भैया के बनाने का तरीका भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जब भी आप करनाल की तरफ आओ तो प्लीज़ दीपक भैया के बारे एक बार ज़रूर आना, लोकेशन आपको हम बता ही चुके हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।